तो दोस्तों आगे आऊंगा मैं एक और मेगा कैमरा कंपैरिजन वीडियो लेके, जहां पर दोस्तों हम लोग कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro Plus के बीच में, जहां पर हम देखेंगे इन तीनों फोन के कैमरा में से हमको कौन से फोन का कैमरा बेटर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों एक फोन के अंदर हमको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलता है, एक फोन के अंदर हमको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है और एक फोन के अंदर हमको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो भाई नंबर्स के मामले में भी भाई बहुत सारे नंबर्स हैं इन तीनों फोन के अंदर, बट अपन लोग अब अलग अलग कंडीशन के अंदर इन तीनों फोन के कैमरा को टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर दोस्तों मैं नाइट में फोटोज क्लिक करूंगा, लो लाइट में फोटोज क्लिक करूंगा, वीडियोज बनाऊंगा, स्लोमो बनाऊंगा, मतलब क्या डिटेल में इन तीनों फोन के कैमरा को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। तो वाली वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं टेस्टिंग टेक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अपने टेस्ट को स्टार्ट करने के पहले आप लोग इन तीनों फोन के कैमरा की इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro Plus के मेन कैमरा के साथ में 1080p 30fps के ऊपर, और आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन दोनों फोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहेगा। जैसे कि आप लोग अभी तक जो ऑडियो सुन रहे थे वो अपने 12 Pro के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा था, और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो अपने 10 Pro Plus के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको इन दोनों फोन्स की स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाए और डायनेमिक रेंज का भी आइडिया लग जाए। तो चलिए तो अभी हम लोग बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड में चल रहे हैं, तो आपको इन दोनों फोन्स में कुछ इस तरीके की स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। बाकी अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो अपने 12 Pro Plus के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा घूम के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग आइडिया लगा सकें कि तीनों ही फोन में से कौन सा फोन ज़्यादा बेटर तरीके से डायनेमिक रेंज को एडजस्ट कर रहा है। बाकी चले इन दोनों तीनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरे की वीडियो को भी देख लेते हैं। और दोस्तों वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro Plus के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में 1080p 30fps के ऊपर। तो तीनों ही फोन्स के अंदर आपको कुछ इतना ज़्यादा अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिल जाएगा, तीनों ही फोन्स के अंदर 0.6 का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलता है हमको, और आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन्हीं तीनों फोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहेगा, जिसको कि मैं बीच बीच में से चेंज करता रहूँगा। जैसे कि अभी तक आप जो ऑडियो सुन रहे थे वो अपने 12 Pro के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा था, और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो अपने Realme 10 Pro Plus के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहेगा। अब मैं आपको इसके अंदर भी थोड़ा चल के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाए और डायनेमिक रेंज का भी। तो बिल्कुल मतलब जैसे नॉर्मल स्पीड में हम लोग चलते हैं उस तरीके से मैं अभी चल रहा हूँ, तो कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन आपको इन तीनों फोन्स के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरे में देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो अपने 12 Pro Plus के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और मैं आपको घूम के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग डायनेमिक रेंज का बेटर तरीके से आइडिया लगा पाएं कि कौन सा फोन ज़्यादा बेटर तरीके से डायनेमिक रेंज को एडजस्ट करता है। बाकी आपको इन तीनों फोन्स में से कौन से फोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं Redmi Note 12 Pro, Realme 10 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro Plus के सेल्फी कैमरा के साथ में 1080p 30fps के ऊपर। तो इन दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा में आपको कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। बाकी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन दोनों फोन्स के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे कि अभी तक आप जो ऑडियो सुन रहे थे वो अपने 12 Pro के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा था, और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो अपने Realme 10 Pro Plus के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। और अब मैं आपको थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको इन दोनों फोन्स के स्टेबलाइजेशन का आइडिया भी लग जाए। जैसे कि अगर आपको ब्लॉग्स वगैरह बनाने तो आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है सेल्फी कैमरा में। और आखिरी अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो अपने 12 Pro Plus के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं आपको थोड़ा सा घुमा के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग इन तीनों फोन्स की डायनेमिक रेंज का आइडिया लगा सकें कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर तरीके से डायनेमिक रेंज को एडजस्ट करता है। तो कुछ इस तरह की सेल्फी कैमरा में क्वालिटी देखने के लिए मिलती है हमको इन तीनों फोन्स के अंदर। और दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम इन तीनों फोन्स के सेल्फी कैमरा के साथ में 1080p 30fps के ऊपर लो लाइट में। तो लो लाइट के अंदर आपको इन तीनों फोन्स के सेल्फी कैमरा में कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। बाकी अब मैं आपको थोड़ा और प्रॉपर लो लाइट के अंदर जाके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग इन तीनों फोन्स की लो लाइट कैपेबिलिटी का आइडिया लगा सकें। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लो लाइट वाले एरिया में आ गया हूँ, तो इन तीनों फोन्स में आपको कुछ इस तरह की सेल्फी कैमरा में वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम इन तीनों फोन्स के मेन कैमरा के साथ में 1080p 30fps के ऊपर लो लाइट के अंदर। तो लो लाइट के अंदर आपको इन तीनों फोन्स के मेन कैमरा में कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। अभी हम लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हुए हैं, मतलब कि रोशनी में, तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिल रही है। अब हम आपको प्रॉपर लो लाइट के अंदर जाके दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग दोस्तों पूरी प्रॉपर लो लाइट के अंदर आ गए हैं, तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको इन तीनों फोन्स के मेन कैमरा में देखने के लिए मिलती है लो लाइट में।
सोच ली दोस्तों इन तीनों फोन्स की कुछ फोटोज के सैंपल को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यार फोटो मैंने इन तीनों फोन्स की मेन कैमरा से क्लिक करवाया था सन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तीनों ही फोन्स ने डायनेमिक रेंज को काफी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर लिया है। और बात करें डिटेलिंग की तो तीनों ही फोटोज में हमको लगभग सिमिलर ही डिटेलिंग देखने के लिए मिलती है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। बट जो रेडमी की इमेज है वो हमको थोड़ी सी शार्प लगती है 12 Pro Plus की, और बाकी कलर का डिफरेंस तो आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये सेम एंगल पे अल्ट्रा वाइड कैमरे का शॉट है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं भाई अपने Realme 10 Pro Plus ने डायनेमिक रेंज को बहुत बड़ी तरीके से एडजस्ट कर रखा है। और अपने जो दोनों ही फोन से Redmi Note 12 Pro और Pro Plus 5 उनने तो भाई डायनेमिक रेंज की अल्ट्रा वाइड कैमरा में लगा दी है गंदी वाली। और ये सन के सामने वाले डायरेक्शन से इन तीनों ही फोन के मेन कैमरे का शॉट है, जिसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं भाई अपने तीनों ही फोन ने डायनेमिक रेंज को काफी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर रखा है। और ये सेम एंगल पे अल्ट्रा वाइड कैमरे का शॉट है। तो इस वाले शॉट में आप लोग देख सकते हैं जब मतलब कि सूरज की रोशनी सामने से पड़ रही है तो अपने Redmi ने दोनों ही Redmi ने काफी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर लिया डायनेमिक रेंज को। बट अपनी जब रोशनी सूरज के अपोजिट डायरेक्शन से पड़ती है तो भाई अपना Redmi बिल्कुल भी सही तरीके से डायनेमिक रेंज को एडजस्ट नहीं कर पाता। बाकी इस फोटो के अंदर तीनों ही फोन्स ने काफी बढ़िया तरीके से डायनेमिक रेंज को एडजस्ट कर लिया है। और दोस्तों ये भी इन तीनों ही फोन्स के मेन कैमरे का शॉट है, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं भाई मतलब इसके अंदर थोड़ा चैलेंजिंग फोटो हो जाता है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने भी व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है, तो इससे कई सारे फोन्स को डायनेमिक रेंज को एडजस्ट करने में काफी दिक्कत होती है। बट इस बार अपने तीनों ही फोन्स ने काफी बढ़िया तरीके से डायनेमिक रेंज को एडजस्ट कर लिया है। और इसी एंगल पे अल्ट्रा वाइड कैमरे का शॉट है, तो इस वाले फोटो के अंदर भी अपने तीनों ही फोन्स ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है अल्ट्रा वाइड कैमरे में भी। और दोस्तों इन तीनों ही फोन्स के मेन कैमरे का शॉट है, तो इसमें आप लोग मेन कलर डिफरेंस देख सकते हैं। तीनों ही फोटोज के अंदर हमको डिफरेंस कलर देखने के लिए मिल रहा है। और ये सेम एंगल पे अल्ट्रा वाइड कैमरे का शॉट है, तो इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कलर में हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों ये वाला फोटो मैंने इन तीनों ही फोन्स के 200 MP 108 MP और 50 MP वाले मोड को यूज करके क्लिक किया है। तो अपन लोग अब इसको जूम करके देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है इन तीनों ही फोन्स की फोटो की क्वालिटी में। तो दोस्तों ये मैंने इन तीनों ही फोन्स के फोटोज को मतलब मैक्सिमम जूम कर दिया तो कुछ इतना फर्क देखने के लिए मिलता है, मतलब कि मुझे तो दोस्तों पर्सनली कुछ इतना खास ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालांकि जो अपने 200 MP वाली फोटो है वो देखने में ज्यादा शार्प लग रही है, और उस पर अगर आप लोग चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी 108 MP और 200 MP में तो कुछ इतना खास ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ 50 MP और 200 MP में हमको थोड़ा सा डिटेल का फर्क देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अपन लोग अब इसको जूम करके और देख लेते हैं कि इन तीनों फोन में हमको कितना जूम देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ये वाला फोटो तो इन तीनों फोन के अल्ट्रा वाइड कैमरे का शॉट है, और ये भी इन तीनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरे का शॉट है, और ये मेन कैमरे का शॉट है। और दोस्तों ये फुल्ली जूम करने के बाद में हमको इतना देखने के लिए मिलता है। रियलमी के अंदर हमको 20x का फुल जूम देखने के लिए मिलता है, और वहीं पर रेडमी नोट 12 प्रो और प्रो प्लस के अंदर हमको सिर्फ 10x का जूम देखने के लिए मिलता है। मतलब कि यार भाई 200 MP का मतलब ही क्या जब हम जूम ही नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा। और बाकी आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी हमको जूम करने के बाद में देखने के लिए मिलती है। और बाकी दोस्तों क्वालिटी तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है कि रियलमी की भी, और रेडमी को भी अगर आप लोग जूम करते हो तो आपको ठीक ठाक क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। और बाकी दोस्तों आपको वीडियो में अलग अलग कंडीशन के और काफ़ी सारे फोटोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब कि लो लाइट, नाइट, रूम लाइट वगैरह के, जिनको देख करके आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर फोटोज़ को क्लिक करता है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगले वीडियो में। Thank you.